आज का हमारा टॉपिक है पांडास के सीरीज में से इंडेक्सिंग, सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग। किस तरह हम किसी इंडेक्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, फिर उसकी सिलेक्शन करते हैं और फिर किस तरह हम फिल्टर लगाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे कि हमें कोई एलिमेंट को गेट करना है तो किस तरह हम गेट करते हैं, किसी को हमने रो या कॉलम के वाइज गेट करना है तो किस तरह करते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। सेम वही काम, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, एक सीरीज क्रिएट की गई है फॉर रेंज तक की, फॉर इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सिंपल इसको प्रिंट करवा दिया गया है। डाटा टाइप, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉर पॉइंट दिया तो यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट रिटर्न हो जाएगी। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और हमें बी के अगेंस्ट जो वैल्यू मौजूद है ना वो ला करके दो, ठीक है। तो बी के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यू थी 1.0, वो हमें सिंपल ला करके दे। फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट 1 के अगेंस्ट हमें 1.0 दे रहा है, तो हमें यहाँ पे बी भी एज ए इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इनके इंडेक्सिंग है वो भी हमें, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। तो हम यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा है कि अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करें तो भी हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे खुद से इंडेक्स प्रोवाइड कर दें तो फिर हम ना सिर्फ अपने प्रोवाइड किए गए इंडेक्स की मदद से वैल्यू को गेट कर सकते हैं, बल्कि हम बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जो इंडेक्स बन रहा है हम उसकी मदद से भी वहाँ पे वैल्यू को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन हो? नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन। हमने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और 2 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दो एक लिस्ट के, तो 2 और 3 वाले प्रिंट हो जाएंगे, 4 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक लिस्ट को पास करवाया BAD, ठीक है, इंडेक्सेस की जो लिस्ट है। अब उसके अगेंस्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स पहले से मौजूद है, सिर्फ क्या करेगा इनकी पोजीशन को अरेंज कर देगा, तो बी पहले ले आएगा, ए उसके बाद ले आएगा और फिर डी लेके आएगा। तो ये देखिए हमारे पास बी है, फिर ए है और फिर डी है, वैल्यूज हमारे पास सेम ही यूज हो रही है। यहाँ पे उसने कहा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और 1 और 3 को प्रिंट करो, ठीक है, तो उसने हमें यहाँ पे B और 3। अब आप कहेंगे कि हमने 1 और 3 दिया है और यहाँ पे वो इंडेक्स बी और डी यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो ये हम उसको बाय डिफॉल्ट वाले जो हैं वो इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हमें जो इंडेक्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो कौन से होंगे जो हमने प्रोवाइड किए हैं खुद से। तो यहाँ पे ये गौर जरा कीजिएगा कि अगर हम खुद से प्रोवाइड ना करें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाले इंडेक्स ही रिटर्न होंगे, लेकिन अगर हम खुद से इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन गेट करवा रहे हैं बाय डिफॉल्ट वाले इंडेक्सेस से, तो फिर भी हमें जो खुद से प्रोवाइड किए गए इंडेक्स हैं वो ही वैल्यूज उनके अगेंस्ट रिटर्न होगी और वो ही इंडेक्स हमें रिटर्न होंगे। यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर देखो कि कोई वैल्यू अगर आपकी 2 से छोटी है तो उसे आप प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज आपके पास 2 से छोटी है, तो इस तरह आपने ये बुलियन ऑपरेशन को यहाँ पे इस्तेमाल किया। फिर है आपके पास स्लाइसिंग, दोबारा यहाँ पे आपके पास है बी और सी को आपने सिंपल प्रिंट करवाना, आपके पास बी और सी जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। ये जरा पढ़िएगा लाइन, स्लाइसिंग विद लेबल्स बिहेव्स डिफरेंटली देन नॉर्मल पाइथन स्लाइसिंग। ये काबिले गौर बात है, ऊपर जो हमने स्लाइसिंग की है और नीचे जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं इसके दरमियान एक आपने डिफरेंस देखा होगा, ये है 2 और 4, यानी 2 के बाद एक डिजिट आएगा 3
और थ्री के बाद एक डिजिट आएगा फोर। जब आप कोई दो इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे, बात जरा गौर से सुनिएगा, जब आप स्लाइसिंग के अंदर कोई ऐसे दो इंडेक्स इस्तेमाल करें अगर उसके दरमियान कोई और इंडेक्स ना आता हो, तो फिर आपके दोनों इंडेक्स इंक्लूसिव होंगे। लेकिन अगर आप दो ऐसे इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं स्लाइसिंग में कि उसके दरमियान कोई और इंडेक्स भी आ रहा है, तो वहां पे आपका एंड वाला जो इंडेक्स होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो? सर, ये 2 3 दोनों आ गए ना। देखिए यहाँ पे बी के बाद सी है ना डायरेक्टली, तो यहाँ पे इसको एक्सक्लूड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे टू के बाद फोर है, यहाँ पे फोर को एक्सक्लूड करेगा क्योंकि इसके दरमियान में थ्री भी आ रहा है। ये बात काबिले गौर है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लियर सर। जी, ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज को अब अपडेट करेंगे इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम जो है, आप इसे समझ लें कि ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये प्रिंट आउट करवा दूं ताकि ये आपके जो है ना वो फिक्र हो जाए। सर, स्लाइसिंग में 2 से 3 तक जाएगा और लेबल्स में 20 से 30 तक जाएगा, गुजारा नहीं करता वहाँ लेबल्स ये में। मैं लिख रहा हूँ, ये मैं, ये दो डिफरेंट केसेस हैं। यस सर, यार एक्सक्लूसिव होगा आखिर वाला, वहाँ नहीं होगा। हाँ तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि फोर वाला मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ,
यहाँ पे अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अब हम सिंपल वैल्यू को यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, तो बी और सी की जगह 5 आ जाएगा। कि आपको क्वेश्चन जहाँ पे आपने फॉरवर्ड हो सिंपल, हमारे पास है डाटा के नाम से वेरिएबल है, डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं 16 तक के रेंज का, शेप हमने बता दी 4x4, इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दी हैं खुद से, कॉलम्स हमने प्रोवाइड कर दी हैं, हमारे पास चार रोज हैं चार कॉलम्स हैं, लेकिन हमने इंडेक्सेस जो प्रोवाइड किए हैं वो कितने किए हैं, चार किए हैं पाँच किए हैं, चार किए हैं, ठीक है। तो अगर हम पांच भी कर देते तो ऐसा कोई एरर नहीं आना था, ठीक है, वहां पे हमारे पास नई रो क्रिएट हो जानी थी। तो चार है ना, चार कॉलम है, हाँ जी चार है, फोर कॉलम्स है तो फोर इसलिए प्रोवाइड किए ना, क्योंकि कॉलम्स और फोर है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे पांच भी प्रोवाइड कर देते ना इंडेक्स, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन सर एरर नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर हम रीशेप में कॉलम्स ही और रोज फोर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम चेंज कर दें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखे हैं, तो वो एरर नहीं आएगा। आप एक बार जरा करके देखें। अच्छा एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल भी एरर जनरेट करवा रहा है, सर 5 कॉलम्स करने से एरर आ रहे हैं। इनको भी नहीं करवा रहा, शेप ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 16x1, इसको 17 करके देखें शायद हो जाए। 17 करके देखा फिर भी नहीं हो रहा, 17 करके देखें शायद भी नहीं हो रहा, होना चाहिए ना पूरा मसला इसे। हमने एक कॉलम जो है वो क्रिएट किया था, रोल भी क्रिएट की थी नैन वाली, याद है ना, वहां पे तो कोई ऐसा एरर नहीं था हमारे पास।
देखते हैं इसको। ये देखिए अब यह कह रहा है कि डाटा के अंदर कह रहा है कि हमें टू के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवा कर, तो टू हमारे पास क्या है कॉलम है, तो हम देखते हैं कि क्या ओहियो के अगेंस्ट भी हमें वैल्यूज को प्रिंट करवा कर देगा या नहीं, क्या हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें रो कोई गेट करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, करने पड़ा है ना। ये हो जाएगी गेट या नहीं, नहीं है होगी, तो फिर किस तरह करेंगे। एलोक से, एलोक से होगा। ये चीजें जरा थोड़ी सी जो है ना कल वाली हम चीजें जरा रिपीट कर, वो पता नहीं एरर क्यों दे रहा था हमें। हमने ये तो देख लिया। अब यहाँ पे आपको कॉलम के लिए ये सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि यह मैं लिख देता हूँ, गेट ओ देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, यहाँ पे दो कॉलम्स को जो है वो प्रिंट करवा रहा है, थ्री और वन को, तो ये आपके पास दो कॉलम्स है थ्री और वन, और उसके अगेंस्ट रोज तमाम के तमाम ही डाटा उसके। अब यहाँ पे बता रहा है आपको, अच्छा ये बताइए मुझे सिंटैक्स देख के कि क्या ये रोज आ रही हैं या कॉलम्स आ रही हैं, इसको छोड़ दीजिए, सिंटैक्स को देख के बताइए आपको कैसे मालूम हुआ कि ये रोज उठा रहा है। उठा तो रोज ही रहा है, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि ये रोज उठा रहा है। अगर कॉलम उठा रहा हो तो आगे टू के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद फिर कॉलम आएंगे। जी तो यहाँ पे हमारे एक निशानी है, मैं आपको जरा ये देखिए, यहाँ पे जब कॉमा इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल कॉलम एक इस्तेमाल हो सिंपल वैल्यू, चले इस तरह भी करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंपल वो उठाएगा सिर्फ दो को, ठीक है, इनका चेक करते देखिए, ये तो उसने कॉलम्स के लिए हमने देख लिया कि ये वाला सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, स्लाइस नन टू नन इनवेलिड की, बताइए फिर क्या करना पड़ेगा इधर हमें, पर हमें कॉलम्स भी ऐड करने हैं अपनी चॉइस। कॉलम्स को किस तरह ऐड करेंगे,
रहे हैं, हमें कॉलम्स को किसी भी तरीके से गेट नहीं करवा रहा, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दो ब्रैकेट्स लिखें क्या बताओ जी? इसको कह रहे हैं दो ब्रैकेट्स लिखें यहाँ पे, इसे कह रहे हैं? यस सर, लेकिन मुश्किल है सर, वो दो ब्रैकेट्स में दो ब्रैकेट्स आ जाए. इंडेक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे वो नंबाई वाला सिस्टम नहीं चलेगा, तो इसको हम देखते हैं आगे किस तरह होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा. ठीक है, ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे एक बताया कि आपको यहाँ पे नंबाई वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करना, डॉट लॉक इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये रो आएगी. जबकि कॉलम्स के लिए आपके पास सिंपल इंडेक्स है. अब ये क्या कह रहा है कि डाटा के अंदर जाओ, थ्री थ्री आपका क्या है, कॉलम है, ये सिंटैक्स देख लें आप. ठीक है, इतना तो आपको पता चल जाएगा ये किसको टारगेट कर रहा है, ये आपके थ्री कॉलम को जो है वो टारगेट कर रहा है, और उसमें देख रहा है कि अगर कोई वैल्यू फाइव से बड़ी होगी तो उसे वो प्रिंट करवाएगा. ठीक है, आप देखिए कोई वैल्यू आपके पास फाइव से छोटी नहीं है. अगर हमारे पास सिंपल डाटा होता, अगर मैं प्रिंट करवा के दिखाऊंगी, आपके पास ये जीरो वन टू थ्री है, ये फोर है, ये सिक्स है, ये सेवन है, अच्छा ये आपके पास यहाँ पर फोर क्यों आ रहा है? आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर, इसमें कॉलम कॉलम थ्री जो है वो कॉलम थ्री को बेसिकली टारगेट किया. माशाल्लाह माशाल्लाह, चले आप जो है ना वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये देखिए हमने उसको कहा है कि डाटा थ्री के अंदर देखना, आपने डाटा के अंदर जाओ और थ्री वाले को आपने टारगेट करना है. ये उसने कंडीशन अप्लाई किया है तो वो थ्री वाले के अंदर चेक करेगा. तो यहाँ पे आपने मुझे कहना है कि यहाँ पे अगर आपकी कोई वैल्यू फाइव से छोटी होगी तो मसला आएगा, यहाँ पे मौजूद हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपने अपनी कंडीशन कोड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डाटा के अंदर हमारे पास है कॉलम, ये सिंटैक्स कॉलम के लिए, कॉलम थ्री के अंदर आपने देखना है कोई वैल्यू फाइव से बड़ी हो तो प्रिंट करवाए. अभी टू वैल्यू उसके अंदर जो वो थी छोटी थी उससे, इसलिए उसने इसको प्रिंट नहीं करवाया. तो ये इसलिए यहाँ पे हमारी बाकी वैल्यूज हैं वो फोर भी इसके अंदर शामिल है, चूंकि ये वन वाले को टारगेट ही नहीं किया. तो अगर आप इसको वन वाले को टारगेट करेंगे तो फिर ये वहां से फोर वाली भी रिमूव हो जाएगी. अब देखें आपके पास फोर वाला जो रो है वो भी, आपने कोड को बस देखना है गौर से. ये सिंपल है कि डाटा के अंदर जहां जहां भी आपके पास फाइव से छोटी वैल्यूज होंगी वहां वहां आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? यस सर, इसमें ट्रू फॉल्स ही आएगा, बूलियन वैल्यूज. ये देखिए आपके पास ये ट्रू है,
क्या बता रहा है कि आपके पास डाटा के अंदर 5 से छोटी वैल्यू थी, यहाँ पे क्या थी, 1 थी कि 0 थी, आई थिंक 0 0 1 2 3 थी ना। तो आपके पास यहाँ 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, यहाँ पे 4 था। तो 4 था कि आपके पास वैल्यूज क्या हैं, ट्रू हैं, बाकी सारी फॉल्स हैं। उसने कहा जी जी आपका डाटा के अंदर 5 से छोटी वैल्यूज हैं, कर दिया। तो इस तरह आप ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में, अगर हम इसको एक इस सूरत में लिख दें, तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो चुकी है। इसको एक और तरीका देखते हैं। देखिए कितने तरीके आपको मालूम हो गए। तो हम ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में जा रहे हैं, या यहाँ मैं पे ये लिख देता हूँ। तीनों तरीकों से आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपके, जब आप कोई इसके गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में रिटर्न करेगा। सर मेरा एक सवाल था, अगर हम एक्स्ट्रा पूछिए क्वेश्चंस पूछते हैं सर, जी जी सर पूछिए। मैं कहता कि अगर हम ये जो पढ़ रहे हैं पांडास, डीप लर्निंग, पैथन, हम इसको मतलब कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और मतलब कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसके मतलब फ्यूचर क्या है, इस सवाल से मुझे पूछना था। टॉपिक से अलग ही थोड़ा, इसके हवाले से मुझे अभी तक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। मैं बता दूं, देखिए प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास पाइथन, नंपाई, पांडास, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, तमाम के तमाम कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने डीप लर्निंग पढ़ी है ना, उसके अंदर पाइथन भी इस्तेमाल की है, उसके अंदर लूपिंग भी की गई है, उसके अंदर क्या किया गया, नंपाई भी इस्तेमाल किया, उसके अंदर पांडास भी इस्तेमाल किए। ठीक है, तो आप ये मुख्तलिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट जिसके अंदर हर तरह का डाटा आपके पास आना, आपके पास इमेजेस डाटा है, वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा, आपने तमाम को तमाम नंपाई के अंदर कन्वर्ट करना है। इट्स मीन अगर आपको डीप लर्निंग आती है, नंपाई नहीं आती, तो भी आपके पास डीप लर्निंग होने का फायदा नहीं है। आपको इनकी तमाम फंडामेंटलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेने चाहिए, इनको अप्लाई करना आना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस जो होगी तो आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल साबित होगी। बाकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर इनके प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तो वहां पे भी आप जो है वो कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी हो सकती है इनकी और पेड प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो आप गुजार साहब माशाल्लाह हमारे पास हैं, वो आपको इस मुतल्लिक जो है ना वो मजीद अच्छे से बता सकते हैं। आप उनसे रब्ता कीजिएगा अगर आप कोई इंटरेस्टेड हैं कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह में इससे रिलेटेड, तो वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। सर जैसे हम ये PII की जो पढ़ा रहे हैं, मतलब ये डेटा साइंस की तरफ हमें लेके जा रहे हैं या AI या डीप लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए इसमें हमने अगर AI पढ़ी है तो उसमें AI भी शामिल है, और डाटा साइंस, अब चूंकि डाटा ये डीप लर्निंग के बाद डाटा साइंस आपका जो है वो एक और कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप डाटा साइंस की तरफ आपकी जो है ना वो जर्नी इस तरफ, लेकिन आप ये जरूरी नहीं है कि आप AI इसको जो है वो नहीं कह सकते, आप और भी इसके अंदर फील्ड काफी ज्यादा मौजूद है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो आप कुछ भी इसके अंदर फील्ड चूज कर सकते हैं, फील्ड तो बहुत ज्यादा है। वो जिसके अंदर आप फिर स्पेशलाइजेशन कर लेंगे, यानी जिसके अंदर आपको ग्रिप होगी, आपको इंटरेस्टिंग मैटर लगेगा, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सर जॉब मतलब कौन कौन से इदारे में होती हैं, जी जो जॉब्स होती हैं इन सब चीजों की, मतलब हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में? देखिए अगर आपकी, आप डाटा साइंटिस्ट हैं तो आपको फिर प्रोजेक्ट्स जो कंपनीज होती हैं ना वो किसी हवाले से आपको वहाँ पे हायर करती हैं।
मसलन अगर आप कोई डिजाइनर हैं तो वो आपको बताएगी, प्रोजेक्ट डिजाइनर है तो वो आपको बताएगी जी हमारा प्रोजेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि वो जो ना एक फेस वे में हो और इफेक्टिव मैनर में हो। आप फेसबुक के अंदर आपके पास डाटा साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्नर बैठे हुए हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर आपके पास बैठे हैं, हर तरह का अपने मुतलिक रेलिवेंट जो काम है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। डाटा साइंटिस्ट आपको बताएगा जी, रिसर्च करके बताएगा, डाटा मजीद से मजीद आपका अच्छा तैयार करेगा। मशीन लर्निंग जो है इंजीनियर है वो उसकी इंजीनियरिंग करेगा खुद की, ठीक है, उससे रिलेटेड तमाम का तमाम वर्क परफॉर्म करेगा। तो हर फील्ड में हर आपके पास जो सीट है उसकी एक अपनी अलग से हैसियत है। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, डेटा इंजीनियर बिल्ड एंड मेंटेन द सिस्टम्स दैट अलाउ डेटा साइंटिस्ट टू एक्सेस एंड इंटरप्रेट। डेटा इंजीनियर क्या करता है, बिल्ड करता है, मेंटेन करता है सिस्टम्स को, और डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, उसने उसके ऊपर क्या करना है, रिसर्च करनी है, इंटरप्रिटेशन जो है वो पेश करनी है। डेटा साइंटिस्ट बिल्ड एंड ट्रेन प्रेडिक्टिव मॉडल्स। तो डेटा साइंटिस्ट जो आप ये डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं और मॉडल की प्रेडिक्शन वगैरह उससे करते हैं कि अगर हम ये वाले प्रोजेक्ट्स को इस तरह लेके चलेंगे तो हमारे पास कितना इसका वो आएगा, लॉस आएगा, कितना हमारी कंपनी जो है वो फायदे में जाएगी, कितने नुकसान में जाएगी। तो हर जो है वो एक आपके पास जो ओहदा है वो उसका एक मुनासिब सी इम्पोर्टेंस है आपके पास। तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए तो विच इज बेटर, डाटा इंजीनियर या डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। बोथ डाटा इंजीनियर्स एंड डाटा साइंटिस्ट आर प्रोग्रामर्स, ये दोनों प्रोग्रामर्स हैं। However, data engineers tend to have a far superior grasp of the skills, while data scientists are much better at data analytics. अब वो क्या कर रहा है कि उसकी grasp है किसके ऊपर, आपकी skills के ऊपर, और data scientist की किसके ऊपर grip है, वो क्या करता है कि data को अच्छे से analysis करता है, आपका relevant data को क्या करता है, sort out करता है relevant data से। तो most data scientists learned how to program out of necessity. तो ये आप तमाम के तमाम मुख्तलिफ आपके fields हैं और मुख्तलिफ आपके पास वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जहां से आप चेक कर सकते हैं कि किसका क्या रोल है, ठीक है। इस डाटा इंजीनियरिंग सक्सेसफुल, वो आपको बता रहा है कि डाटा इंजीनियर्स हेल्प क्रिएट अ स्कैफोल्डिंग दैट होल्ड्स मशीन लर्निंग इन प्लेस, बट आई सी दिस रोल एज मोर सक्सेसफुल देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब आपके पास जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निस्बत अगर आप देखें तो डीप लर्निंग मुश्किल भी है, और लेकिन उनके तीन प्रोजेक्ट्स इसके एक प्रोजेक्ट्स की इक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास ये चीज तो मुश्किल है, लेकिन ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है डीप लर्निंग, क्योंकि ये हर बंदा नहीं सीखता, ये एक मुश्किल जो है ना फील्ड समझी जाती है डाटा साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की, ज्यादातर लोग इसकी तरफ नहीं आते। तो जब इसकी मांग ज्यादा है और इसका रोल भी ज्यादा है कम्युनिटी के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर, तो फिर लोग भी कम आते हैं इसकी जो है वो डिफिकल्टी की वजह से, तो फिर क्या होता है आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और वो बाकियों के तीन प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप सिंपल प्रोग्रामर हैं तो अगर आप डीप लर्निंग का एक प्रोजेक्ट लेंगे इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, और क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा। तो आप इसके स्कोप को देखिए, इम्पोर्टेंस को देखिए, ठीक है ना, उसके मुताबिक आप वो सारा ले चल सकते हैं। सर चैट में आपको क्वेश्चन किया था जी, जी सर चैट में क्वेश्चन किया था किसी ने, सबसे नीचे अच्छा चलिए मैं इसको एंड पे बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, ये है आपके पास सिलेक्शन विद लॉक एंड आई लॉक, ये हम पढ़ चुके हैं, आप सिंपल इसका कॉन्सेप्ट दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं। डाटा डॉट लॉक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपके रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेटा डॉट लॉग हमने ये टारगेट करना है किसको, रोज को करना, कोलोराडो करना है यहाँ से हमने, और टू और थ्री। अब मैंने वो जो आपको बात बताई है कि हम वहां पे क्या गेट नहीं कर पा रहे थे, कॉलम को गेट नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे एरर जनरेट करवाया ना, अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करवा के दिखाना चाह रहा हूँ,
ताकि आपके जहन में वो बैठ जाए कि मुख्तलिफ तरीकों से भी मैंने किया लेकिन फिर भी वो कार आमद नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो एक नंपाई का मेथड है। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वाला मेथड। तो अब आपके पास वो रोज भी आएंगे और कॉलम्स भी आएंगे। तो आप इसको देखिएगा सर, ये डॉट लॉग क्या है? कि ये एक फंक्शन आपका मेथड है डॉट लॉग, ठीक है? ये टारगेट करता है आपकी रोज को। यहाँ पे आपने लॉग का फंक्शन तो नहीं ना लगाया, तो इसने आपको क्या गेट करके दिया? लेकिन सर सर ने ये बताया था वीडियो में कि ऑल्दो कि ये रोज को जो है वो गेट करते हैं, लेकिन ये जो आउटपुट होता है ये कॉलम की स्टाइल में जो है वो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। देखिए ना, ये हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया? कोलोराडो रो है, तो रो प्रोवाइड कर दी, साथ में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, टू और थ्री। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? टू के अगेंस्ट क्या वैल्यू है आपकी? देखिए टू के अगेंस्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे क्या है? वन है, फिर आपके पास फाइव है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? टू के अगेंस्ट फाइव और थ्री के अगेंस्ट सिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये आपको रो प्रोवाइड कर रहा है या कॉलम प्रोवाइड कर रहा है, बताइए सबसे पहले। ये रो प्रोवाइड कर रहा है, वो इतना प्रोवाइड कर रहा है कोलोराडो को, आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन कोलोराडो के अंदर आपके पास वैल्यूज कितनी है? चार है, लेकिन आपने कितनी चाहिए है? हमारे पास दो कॉलम्स की सिर्फ वैल्यूज आए जो कोलोराडो के अंदर फॉल करती हैं। आपने टू और थ्री वाले कॉलम्स की वैल्यू उठा ली, फाइव और सिक्स। इस बात की समझ आई आपको? जो टू और थ्री है ना, आपको ये एक कॉलम की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? यस सर, वो लोग वो बता रहे हैं, ये देखिए बता रहे हैं कोलोराडो है ना, हमने कोलोराडो एक लाइन सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, ठीक। अब उसने कहा कि आपको कितनी वैल्यूज चाहिए कोलोराडो? तमाम की तमाम चाहिए, ठीक है। तो कोलोराडो अगर तमाम की तमाम चाहिए तो ये देखिए आपको क्या होगा। अभी तमाम की तमाम कितनी वैल्यूज हैं इसमें? चार हैं। तो जब मैं इसको कहूंगा कि नहीं भाई मुझे चार नहीं चाहिए, मुझे दो चाहिए, और कौन कौन से चाहिए? टू और थ्री वाले कॉलम्स में से, फिर क्या करेगा? क्लियर है? यस सर, कोलोराडो रो की टू थ्री कॉलम्स बता रहा है, ठीक है। अब अगर आपके पास इंटीजर डाटा हो तो इंटीजर के लिए आई लॉग का फंक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपल हमने वैल्यूज को अपडेट किया है जो फाइव से छोटी थी। अब देखिए हम आई लॉग का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ ये कॉलम किस, ये जो दो है ये किसके लिए है? कोलोराडो के लिए। इसको हम बाय डिफॉल्ट वाले इंडेक्स के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब ये हमने किसका डाटा उठाया? अब हमने कोलोराडो ही लिया ना आपके पास। इट्स मीन अगर आप स्ट्रिंग के अंदर डाटा प्रोवाइड करेंगे तो कोलोराडो देंगे। कहाँ गया वो हमारा? वो हमने ऊपर इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ कि टू और थ्री पे क्या है? जीरो वन टू, तो मुझे वन और टू का दो डाटा, ठीक। मैं इसे क्या देता हूँ? वन और टू का दो। में देख रहे हैं आप डाटा आपके पास दोनों सूरतों में सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उसको प्रोवाइडिंग
पे आप उसको बाय डिफॉल्ट वाले पर इंडेक्स जो प्रोवाइड करके वैल्यूज को गेट करें, दोनों सूरत में आपका डाटा जो है वो सेम आउटपुट आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने एलो किया, सिंपल आपने जो है वो वैल्यूज को गेट किया है, आपके पास ये आ जाएगी वाला जो है आपके पास रो है उसके अंगेंस आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा के उसे एक नया उसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर देते, इंडेक्सेस प्रोवाइड कर देते कॉलम वाइज, तो वो आपको जितने आप कॉलम जो होंगे उसे कॉलम की वैल्यू चाहते तो वो आपको प्रिंट आउट करवा देता। जैसे कि यहाँ पे उसने किया 301 की, तो आपने उसको तीन प्रोवाइड किए इंडेक्स कॉलम वाइज, तो उसने तीन की वैल्यूज आपको प्रिंट करवा दी और दो आपने रोज प्रोवाइड किए। तो इस तरह सिस्टम जो है ना चलता है। अब डाटा डॉट लॉक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ये तमाम का तमाम रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रोज को, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करो और उठा तक जाओ, आपके पास जो है वैल्यूज वो देख लें यहाँ पे, ओहायो, कोलोराडो और ये वाले, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी देख रहे हैं तीन रोज आ रही हैं, लेकिन कॉलम वाइज आपके पास डाटा सिर्फ किसका आ रहा है, टू का आ रहा है, तो ये एक कॉलम का आपके पास डाटा आ गया। कॉलम आपने जीरो से लेके उठा तक गए, आपके पास तीन कॉलम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ टू वाले कॉलम का यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएंगे। इस कोड को समझिए, डाटा डॉट आई लुक, हमने ये जो काम किया है ना इकट्ठा अंदर, ठीक है, अब हम इसके साथ एक और काम करने जा रहे हैं। डाटा डॉट आई लुक जीरो से लेके एंड तक तमाम की तमाम रोज, कॉमा जीरो से लेके थ्री तक के कॉलम्स, और आपने साथ में चेक करना है कि डाटा डॉट थ्री के अंदर जो जो वैल्यूज फाइव से बड़ी हैं उनके लिए आपने अप्लाई करना है, राइट। ठीक है, समझ आ गई कोड की? यस सर, वो एक्सप्लेन करिए वो। ये देखिए मैं आपको ना इसको अलहदा से प्रिंट करवा देता हूँ, जो टू इन वन काम है ना वो दुरुस्त नहीं रहता। तो आपके पास ये डाटा आ गया, आपने क्या करना है, इसको किया यहां से अब आपके पास क्या आएगा डाटा, आपने कहा जीरो से लेके एंड तक तमाम के तमाम रोज, तो रोज को उसने एक जो है स्किप कर दिए, चार थी तो उसने थ्री को प्रिंट करवाया, तो से लेके थ्री तक जाओ तो थ्री आपके कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, उसने कहा कि डेटा डोर थ्री, थ्री वाले कॉलम्स के अंदर आपने देखना कोई वैल्यू अगर फाइव से बड़ी होगी तो ही उसे प्रिंट करवाना। यहाँ पे फिर एक रो उसने स्किप कर दिया, उसकी वजह क्या है, आपके पास इस रो के अंदर वैल्यू जो थी वो जीरो आ रही थी, क्लियर है जी सर? चैट सेक्शन देख लें। यस सर, डीप लर्निंग कर लेंगे जी सर, टॉपिक तो हम एंड कर लें कि आप यहाँ पे दरमियान में तो नहीं ना छोड़ सकते जी। मैं करता हूँ जी सर, मैं आपको एंड पे जो है ना बता देता हूँ डाटा रैंगलिंग और डाटा जॉइन, ठीक है। इस कोड की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, ये कोड सिंपल आपके पूरे डाटा के लिए है, और यहाँ से आपने कहा है कि ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करनी है सिर्फ और सिर्फ थ्री वाले कॉलम के ऊपर, तो थ्री वाले कॉलम के ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी जबकि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। कहने का मतलब है पहली रोज उसने छोड़ी है वो इसकी थोड़ी वहाँ जीरो है, अगर जीरो नहीं होती तो उस रो को वो अकाउंट फॉर करता। सॉरी सर, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। पहली रो आप कह रहे हैं छोड़ दी, उसकी चार रोज थी ना? जी जी, तो पहली रो आप कह रहे हैं छोड़ दी, वो इसलिए छोड़ी ना आप जीरो थे, अगर जीरो ना होते कोई वर्ड कोई और उसमें फिगर्स होती तो वो उसको अकाउंट फॉर कर लेता। जी जी
अकाउंट सॉल्व करता ना अगर वो फाइव से बड़ी होती, नहीं वो फाइव से छोटी। अब देखिए यहाँ आपके पास जीरो है ना, मैं आपको दिखा देता, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है ना, उसने स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसने अप्लाई किया है कंडीशन सिर्फ और सिर्फ थ्री वाले कॉलम में, तो थ्री के अंदर जीरो आ रहा था ना, ये हमने इसको नहीं देखना ना इसको देखना, हमने इस वाले कॉलम को लेके चलना, इसमें जीरो आ गया, उसने पूरी की पूरी रो को ही स्किप आउट कर दिया। क्लियर है, रो का स्किप कर रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देखे ना, हमने कंडीशन अप्लाई किस पे किया है, थ्री के ऊपर, ये डाटा डॉट थ्री है ना, थ्री वाले कॉलम के अंदर अगर कोई वैल्यू फाइव से बड़ी है तो प्रिंट करवाओ। तो अगर आपके पास ये वैल्यू जीरो से जो है फाइव से बड़ी ही नहीं है, तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे कॉलम को स्किप कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है तो ये वाली दो वैल्यूज को प्रिंट करवा दे, इसको करवा दे और ये वाली स्किप कर दे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, वो पूरी की पूरी रो को ही स्किप आउट कर देगा। क्योंकि इसके अंदर आपको अगर यहाँ पे देखें वन टू जीरो और फोर होता फिर भी उसने इसको स्किप करवा देनी थी, क्यों, हम जब कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू उसको ना मिले तो फिर भी वो स्किप करवा दे, अगर छह की जगह भी जीरो होता तब भी वो दोनों रोज को स्किप करवा देता, हमने बाकियों को नहीं देखना कि बाकी जीरो हैं या दो हैं तीन हैं, हमने जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई किया सिर्फ उसको देखना है, हमारा टारगेट ही वही है। जी 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 सर, अगर वो खोलेगा सर लैब खोलेगा, चले मैं सर अगर कॉलम वाइज करवाना उसके तो एक्सेस वन कर देंगे क्या, कॉलम वाइज आप स्किप करवाना चाह रहे हैं क्या, कंडीशन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं? नहीं, जैसा आप कह रहे हैं ना कि रो वाइज, जैसा कि एक में भी जीरो आ जाएगा कि वो रो वाइज स्किप करवा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर कॉलम वाइज करवाना चाह रहे हैं तो उसमें कैसे होगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर देंगे? देखिए वो चेकिंग कर रहा है आपके कॉलम वाइज, इस कॉलम के अंदर यहां पे उसको जीरो मिल गया ना, ये देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, उसने क्या किया इसको स्किप करवा दिया पूरी रो को, जस्ट कर वो कॉलम वाइज ही रहा है लेकिन जब एलिमेंट रो के अंदर आएगा तो वो पूरी रो को स्किप करवा देगा। ओके 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 समझ आ, ठीक है। आप देखिए ना ये थ्री आपके पास कॉलम है ना के रो है, तो आप कंडीशन कॉलम के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं लेकिन अगर वो वैल्यू रो के वाइज भी तो मौजूद है ना ओहायो में, तो वो ओहायो पूरी की पूरी रो को स्किप आउट करवा देगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पे छह की जगह भी जीरो होता ना तो यहाँ पे कंडीशन भी स्किप करा देता, स्किप करवा देना, यहाँ पे हालांकि फाइव मौजूद है लेकिन वो पूरी की पूरी कोलोराडो को स्किप करवा देगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एंड वाली दो रोज प्रिंट आउट हो जाती है। ये हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है थ्री वाले कॉलम के ऊपर, ये आपका पहले वाला डाटा पूरे का पूरा। लेकिन आप देखे ना मैंने आपको ये क्यों बताया, ये थ्री के बगैर करके दिखाया ये वाली कंडीशन जो मैंने बुलियन वाले इस्तेमाल की है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये तमाम के तमाम रोज शामिल हैं, चार की चार है ना, जब हमने थ्री वाले के ऊपर लगाया तो उसने क्या किया, यहाँ पे थ्री के अंदर ये कंडीशन पूरी नहीं आ रही थी, जीरो आ रहा था, तो उसने इस पूरी की पूरी रो को स्किप आउट करवा दिया, तो आपके पास थ्री रोज बच गई है बाकी। अच्छा जी ये देख लें सिंपल पीटी डॉट सीरीज है, एन पी डॉट ए रेंज, थ्री तक की रेंज आपने करवाई है सिंपल, सीरीज टू है पीटी डॉट सीरीज थ्री तक की दोबारा रेंज आपने जनरेट करवाई है, इंडेक्स आपके पास थ्री अवेलेबल है, आपने इसको प्रिंट आउट करना। अब आप करवा रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर इंडेक्सेस, ठीक है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेंगे जीरो से ऑनवर्ड जाएंगे और जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो आप माइनस वन से स्टार्ट करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, तो इसकी इंडेक्स आपके पास क्या है, टू भी है और माइनस वन भी है, तो जब टू भी आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो दोनों के साथ वैल्यूज की सेम आएगी। तो मैं आपको ये जरा प्रिंट आउट करवा के दिखा देता हूँ, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी। सर अगर नेगेटिव में कोई मतलब कि हमें बीच का कोई वैल्यू और नेगेटिव में उसको गिनना मुश्किल होगा ना, मिसाल के तौर पे माइनस सेवन है तो हमें गिनना पड़ेगा ऊपर कौन सा ये बन रहा है। जी वो तो फिर आपको जाहिर है कि चेक करके ही इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं 0.0, 1.0, 2.0। अब माइनस वन के ऊपर भी आपके पास 2.0 आएगा और मैं दूसरे इंडेक्स से इसको करता हूँ तब भी आपके पास 2.2 ही जीरो आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने इसको नेगेटिव इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये भी जहन में रह जाए। आपका है जीरो, आपका वन है, आपका टू है, नेगेटिव वाइज आएंगे। ये आपके पास आ जाएगा आपके इंडेक्स से। ठीक है, माइनस वन से यहाँ से, ठीक यहाँ पे आएगा माइनस वन आएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस टू, यहाँ पे आपके पास माइनस थ्री आ जाएगा। यहाँ पे जीरो से आप स्टार्ट नहीं करेंगे खत्म भी। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स लिख दी है। ये सारी को स्लाइसिंग करेगा, सिंपल है, हमने ये पढ़ा लॉग के फंक्शन के साथ, क्योंकि ये पांडास हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आई लॉग है आपके पास, तो इस तरह ये तमाम की तमाम आपकी चलेगी। नेक्स्ट है आपके पास अरिथमेटिक एंड डाटा अलाइनमेंट, तो इसके अंदर वो सिंपल जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। आप यहाँ पे एडअप करवा लें दोनों सीरीज को या दोनों डाटा फ्रेम्स को, ठीक है, तो दो आपके पास सीरीज है, इंडेक्सेज आपने प्रोवाइड कर दिए, और यहाँ पे आपके पास एस वन एस टू प्रिंट हो चुका है, S1 प्लस S2 को। अब जो जो अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल इसकी टर्मिनोलॉजी ये जहन में रख लीजिए कि आपके पास दोनों इंडेक्सेस अगर सेम है दोनों सीरीज के अंदर, A है यहाँ पे है, तो एक इंगेस्ट आपके पास क्या है 7.3 और माइनस 2.1, तो इन दोनों को एडअप करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इनका ओवरऑल जो आएगा सम आएगा वो प्लस ही होगा, लेकिन वैल्यू भी प्लस में ही रहेगी। अगर इधर होता माइनस 7.3 इधर होता प्लस 2.1 फिर भी ये एड ही होने थे, लेकिन अलामत आपके पास नेगेटिव क्या आ जानी थी, बस ये डिफरेंस है। आपने थ्री में से वन माइनस किया टू आ गए, सेवन में से टू किया तो फाइव आ गए, तो 5.2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अलामत मैंने बता दिया कि वो प्लस में आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यूज वाली जो है अलामत इस्तेमाल की जाती है, तो जहां पे उसको इंडेक्स नहीं मिलेगा, मसलन यहाँ पे आपके पास एफ इंडेक्स नहीं है, इसमें तो है एफ के अगेंस्ट आपके पास वैल्यू क्या है फोर, यहाँ पे एफ नहीं है, तो दोनों क्योंकि हम प्लस करवा रहे हैं तो एफ ही वैल्यू से नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा नैन रिटर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास डी की वैल्यू है तो यहाँ नहीं है, तो आपके पास दोनों इंडेक्सेस दोनों सीरीज के अंदर मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा उसको एरर नहीं जनरेट करवाएगा बल्कि नैन रिटर्न करेगा, तो एडअप नहीं हो रही वैल्यूज। तो यहाँ पे आपके पास डाटा फ्रेम है, अगर आप वो सीरीज के ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपने डाटा फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएफ वन प्लस डीएफ टू, फिर इनको नेगेटिव करवा दें डीएफ वन माइनस डीएफ टू, ठीक है, तो वो वैल्यूज एक दूसरे से तफरीक हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास ये दोबारा जो है वो प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट उसने डाटा फ्रेम के साथ फिल वैल्यूज वाली जो है ना लिस्ट, आपके पास लिस्ट हमने पढ़ी थी ना फिल वाली, आप यहाँ पे कॉलम के लिए मैन्युअली ए बी सी डी ना लिखें, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिए, लिस्ट उसे क्रिएट कर दें, टपल प्रोवाइड कर दें उसे स्ट्रिंग वैल्यू, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच जहां तक आपने प्रोवाइड करने वो कर दें, वो क्या करेगा कि खुद ब खुद आपकी एक एक वैल्यू को उठाएगा और एक एक कॉलम वो है क्रिएट करता जाएगा, ए बी सी और डी, यहाँ पे कोई इशू हो आपको। जी कोई इशू? नो सर। अच्छा चलें, अब ये है डी एफ वन डॉट एड डी एफ टू, डी एफ वन के अंदर ऐड करवा रहा है डी एफ टू को, और फिल वैल्यू आपको क्या कर रहा है, जहां पे नैन है उसको किससे फिल करेगा, जीरो के साथ, ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट है। ये देखिए आपके पास डी एफ वन डॉट डी एफ टू है,
आपने दोनों को एडअप करवा दिया, जहां जहां उसे वैल्यू नहीं मिली वहां वहां उसने क्या किया, 0.0 को फिल करवा दिया। तो ये सिंपल सा, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी जी वन जीरो फिल कराया है ना, जीरो फिल करवा दिया ना, ये देखिए यहाँ पे अगर ऐड ऐड करेगा तो एक के अंदर तो वैल्यू मौजूद है, तो दूसरे के अंदर वो जीरो ऐड करेगा वो वैल्यू फिर नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, अगर ऐड नहीं हो रहा यहाँ पे तो फिर क्या वैल्यू फिल होगी, क्यों नहीं ऐड होगा? देखिए अगर वो एरर तो जनरेट करवाएगा ही नहीं किसी सूरत में। आई मीन टू से कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो अभी ये तो है ना कि फिल अंडरस्कोर, अच्छा चलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। अगर इधर है तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर इधर कहीं होगा तो सर जहाँ एन एन है वहाँ पे ये जीरो फिल कर रहा है या कुछ प्लस माइनस करके ये कोई वैल्यू डाल रहा है? नहीं 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 वहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। अगर वहाँ पे देखिए आप जीरो है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं एन ए एन है ना ये तो नीचे इसने कोई वैल्यू और कोई डाली हुई है, जीरो तो नहीं डाली। एन ए एन है ना आपके पास, तो क्या करेगा आप सी के अगेंस्ट आप थ्री में वैल्यू देखते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास कोई ना कोई नंबर मौजूद होगा, ये देख लेंगे यहाँ पे दस है आपके पास, ठीक है दस है ना, तो दस के अंदर उसने क्या किया है, जीरो को ऐड करवाया, अच्छा ठीक है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये है आपके पास, देखिए ये डाटा जो आपके पास प्रिंट आउट हुआ है ये है डीएफ वन अलहदा है, यहाँ पे 7.0 है, यहाँ पे 10.0 है, तो यहाँ पे ऐसा कोई इसके अंदर वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है सिवाय इसके फर्स्ट इंडेक्स वाली, यहाँ पे भी आपके पास जीरो है तो यहाँ भी आपके पास जीरो है, ठीक है तो 0.0 प्लस 0.0 आपके पास जीरो ही रहेगा, ठीक है यहाँ पे अब आपको नैन वैल्यू रिटर्न। अब देखिए सी के ऊपर आपके पास नैन वैल्यू आ रही थी डीएफ वन प्लस डीएफ टू के अंदर, अब हमने क्या किया इसको करवाया है फिल यहाँ पे, ठीक है डीएफ वन डॉट एड डीएफ टू, तो अब यहाँ टू के नीचे देखिए आपके पास नैन है, आपके पास फाइव वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। इट्स मीन उसने क्या किया है कि अगर एक कॉलम के अंदर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसको वो बाय डिफॉल्ट जीरो शुमार करेगा और जीरो शुमार करके पहली वाली के साथ एड अप करके उसका आंसर प्रिंट आउट करवा देगा, ठीक है। तो ये है मसलन जहां जहां आपके पास वैल्यू नैन है वहां वहां जीरो फिल करेगा, और जीरो जब फिल करेगा तो उसको दूसरे जो डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज के इंडेक्स और रो इंडेक्स आपके पास जो कट आउट होके आएगा, इधर से आपके पास रो है इधर से आपके पास कॉलम है, तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आएगी उसके साथ क्या करेगा, दूसरे डाटा फ्रेम की वैल्यू जीरो ऐड करके वहां पे आपको आंसर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यहाँ पे नैन क्यों आ रहा है कि एक डाटा फ्रेम में तो वैल्यू मौजूद है लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है, तो इस मसले से बचना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो रख लो, तो इससे फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, ना वैल्यू कम होगी ना ज्यादा होगी, लेकिन आपको नैन की जगह पे वही वैल्यू अकेले डाटा फ्रेम की सिंगल डाटा फ्रेम में जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इस सूरत में आपके पास रिटर्न नहीं हो रही, जब आप फिल जीरो करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो वन डिवाइडेड बाय डी एफ वन करेंगे सिंपल, आपके पास जो है ना ये इन्फिनिटी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि जीरो जब डिवाइड किया जाता है ना वन से, वन डिवाइडेड बाय डी एफ वन, तो आप वन डिवाइडेड कर रहे हैं जीरो से इट्स मेन पहले इंडेक्स पे, ठीक है यहाँ पे जीरो है ना, तो वन डिवाइडेड बाय इधर आएगा जीरो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, तो वन डिवाइडेड बाय वन तो आपके पास वन, वन डिवाइडेड बाय आपके पास आगे क्या है फोर, नहीं ये तो जी डी एफ वन के साथ कर रहा है ना अकेले के साथ, ये दोनों का डाटा है यहाँ पे फोर है इसलिए, तो डी एफ वन का डाटा जो आपके पास है ये देखिए वन है फिर टू है फिर थ्री है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है वन डिवाइडेड बाय फोर, तो उसको हमें रिटर्न कर देगा इस सूरत में 0.5, यानी उसका हाफ कर दें वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है ना, तो आपके पास क्या देगा 1.0, तो 1.4 कर दें तो उसका 0.5 आ जाएगा, इस तरह ये चलते हैं। अच्छा अब ये है आपके पास रिलेटिव डिवीजन, ठीक है तो दोनों के हिसाब से आपके पास डाटा जो है वो सेम आएगा। रिलेटिव क्या है, हर एलिमेंट के रिलेटिव आपने डिवाइड करना हर एलिमेंट, तो
तो आप उसको पूरे डाटा फ्रेम के साथ डिवाइड कर दें या उसको ही हर एलिमेंट के साथ रिलेटिव डिवीजन कर दें तो भी आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डी एफ वन डॉट री इंडेक्स कर रहा है। कॉलम्स के अंदर उसने क्या कहा है कि डी एफ टू के कॉलम्स को नाम जो है वो इस्तेमाल करके इसको डी एफ वन के साथ तब्दील कर दो और फिल वैल्यू आप क्या करो जीरो कर दो। तो यहाँ पे आपके पास जो कि ई कॉलम जो है वो मौजूद, उसके अंदर वैल्यू थी नैन, तो उसने क्या किया इसको जीरो प्रिंट आउट करवा दिया इसकी जगह। जी यहाँ पे हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये है ऐड है, रिलेटिव ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, रिलेटिव सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, रिलेटिव डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, रिलेटिव फ्लोर डिवीजन है, फिर ये है मल्टीप्लाई, रिलेटिव मल्टीप्लाई और पावर है, और रिलेटिव मल्टी रिलेटिव पावर है। ठीक है, इसमें अगर कोई इश्यू है तो सर ये रिलेटिव और उसमें क्या फर्क है, रिलेटिव डिवीजन, डिवीजन रिलेटिव मल्टीप्लाई। देखें देखें आप मुझे बताइए इन दोनों में कोई डेटा सेट में फर्क है? नहीं, इसकी आंसर तो सेम सारे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे पूरे डाटा फ्रेम को इस्तेमाल कर रहा है, बैकएंड के ऊपर हर एलिमेंट के साथ ही वन डिवाइड होगा। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय हर एलिमेंट। तो आप यहाँ उसे बता रहे हैं डी एफ वन, ये आपके पास दूसरा सिंटैक्स है ना, एक सिंटैक्स आपके पास ये है, अगर आप उस सिंटैक्स दूसरा चेंज करके इस्तेमाल करेंगे डी एफ वन तो भी आपकी हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिलेटिव डिवीजन कर देगा। ठीक ठीक है, तो रिलेटिव आपका क्या है कि रिलेटिव हर एलिमेंट से रिलेटिव है, यानी हर एलिमेंट को जाके टारगेट करेगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि रिलेटिव जब आपने इस्तेमाल किया है मेथड तो आपके पास वो हर एलिमेंट को जाके टारगेट करेगा। यहाँ पे उसको जाहरी तौर पे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैकएंड के ऊपर भी हर एलिमेंट को ही वो टारगेट कर रहा है। चलें जी सजाद भाई, जी जी